यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के बाद बाढ़ से सबसे ज्यादा खराब हालात आसाम में है। राज्य के 4000 से भी ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र के कहर से बचने के लिए क्या इंसान और क्या जानवर दोनों ही सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। मौसम विभाग ने असम में अगले कुछ दिन भी बारिश की आशंका से इंकार नहीं किया है, यानी बाढ़ के ये हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद ना के बराबर है। असम के 33 में से 30 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। भीषण बाढ़ की वजह से असम सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के करीब 43 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बीते कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आई नांगल भांगा माकरा जैसी नदियां खतरे के निशान को भी पार कर गई हैं। इन नदियों का पानी तटबंध तोड़कर कई गाँव में घुस गया है। लोगों के घर खेत सब नदी में समाते जा रहे हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई जगह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों ने भी खतरे के निशान को पार कर लिया है। राज्य में एनडीआरएफ की 15 टीमें राहत और बचाव के कार्य में लगी हैं। सीएम सर्वानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करके उन्हें राज्य के हालात के बारे में बताया है। असम में आई बाढ़ ने इंसान और जानवर दोनों को बेघर कर दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी घुसने से काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा पानी में डूब गया है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ के पानी से यहाँ के जानवरों की जिंदगी भी खतरे में है। जानवर जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। बाढ़ में फंसे जानवरों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पार्क के ज्यादातर हिस्सों में पानी इतना भरा हुआ है कि मकान का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। पार्क के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर भी बाढ़ का पानी बह रहा है। असम के गोलाघाट जिले में बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में लोग बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में फंसे लोगों को नावों और स्टीमरों के जरिए सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है। असम के धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र कहर बरपा रही है। भारी बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान को पार कर गई है। जलस्तर बढ़ने से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी धुबरी जिले में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर लगी फेंसिंग की दीवार तोड़कर भारतीय सीमा में घुसने लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लहरों के जोर से फेंसिंग की सड़क बह गई और पानी तेजी से भारतीय सीमा में दाखिल हो रहा है। तस्वीरें असम के नगरबेरा की हैं। यहाँ तेंदुए का एक बच्चा सैलाब में फंस गया, जिसे बचाने के लिए गांव के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गांव के लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर तेंदुए के बच्चे की जान बचाई। तो तेंदुए के बच्चे की जान बचा ली गई, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा अच्छा खासा बड़ा है और ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है। तो बिहार और आसाम के बाद बात कर लेते हैं हरियाणा और गुजरात की भी। आप में से कई लोगों को सुनकर हैरानी होगी, शॉक लगेगा कि वहां पर भी बाढ़ के हालात हैं। कहीं पर स्कूल बंद हो गए हैं क्योंकि पानी भर गया है स्कूलों में, तो कहीं पर लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ा है और इसका सीधा असर किसानों पर मार के तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें हरियाणा के अंबाला की हैं, जहां लोगों के घरों से लेकर स्कूल तक पानी भरा हुआ है। जिन स्कूल में कभी बच्चे पढ़ते थे वो पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घरों में इतना पानी भर गया है कि मजबूरन उन्हें रहने के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है। इस ट्रैक्टर को देखिए, आधा ट्रैक्टर पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ की वजह से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं। यहां कई घंटों की लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलस्तर बढ़ने से नदियों का पानी हाईवे पर आ गया, जिस वजह से ट्रैफिक रोकना पड़ा। बाढ़ की वजह से शहर में बना मंदिर पानी में डूब गया। गुजरात के खेड़ा की तस्वीरें देखिए, सैलाब ऐसा कि सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई कॉलोनियों में पानी घुस गया। सड़कों से लेकर गलियों तक में पानी होने की वजह से लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बाढ़ की वजह से नदी में फंसे 6 लोगों को बचाया गया। आसपास के लोगों ने इन्हें बचाने के लिए ह्यूमन चेन बनाई और उनको पानी से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इंसान की जान इतनी सस्ती क्यों है? बाढ़ के हालात हर साल आते हैं, ऐसी तस्वीरें आती हैं, उसे मैनेजमेंट करने के लिए, उसके मैनेजमेंट
के लिए कुछ नहीं किया जाता। और जो हमारी अगली खबर है वो भी सवाल से जुड़ी, मुंबई के बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई, 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ताजा अपडेट यही कि रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक जारी रह सकता है। मुंबई का ये डोंगरी इलाका जहां सुबह 11:40 पर एक इमारत गिर गई, तांडेल रोड पर 100 साल पुरानी ये इमारत केसरबाई इसका नाम, ये अचानक ढह गई। मलबे में करीब 40 लोगों के फंसे होने का अंदेशा जताया जा रहा है। करीब 15 परिवार इस जर्जर बिल्डिंग में रह रहे थे। एनडीआरएफ के साथ आपको ये भी बता दें कि बीएमसी और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, लेकिन गलियां संकरी हैं, ऐसे में राहत बचाव के काम में काफी दिक्कत आ रही है। मुंबई के डोंगरी एरिया में सुबह 11:30 अफरा तफरी मच गई। 4 मंजिला बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। डिजास्टर मैनेजमेंट को कॉल करने के बाद लोग खुद ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए, मलबे में दबे लोगों को निकालना शुरू किया। लड़की है मेरी। कितने कितने साल की हैं? 15 है। कभी ये शादी हुआ है? अभी शादी हुई है। हाँ। पाँच छह महीने हुआ। अच्छा अच्छा, बच्ची यहाँ थी? हाँ, घर थी। तो अभी क्या वो वहाँ फंसी हुई है? फंसी हुई है अंदर। बिल्डिंग के संकरी गली में होने से रेस्क्यू टीम को पहुँचने में दिक्कत आई। एनडीआरएफ के पहुँचने के बाद रेस्क्यू तेज हुआ, लोग खुद ह्यूमन चेन बनाकर राहत और बचाव के काम में जुट गए। लोगों के मुताबिक इमारत में नीचे दुकानें थी, ऊपर फ्लैट्स में 15 परिवार रह रहे थे। करीब 40 लोगों के फंसे होने का अंदेशा जताया गया। मैं नाश्ता कर रहा था ना सुबह में, तो एकदम बारिश आई। बारिश आने के बाद है ना आदमी एकदम हवा आई। हवा आने के बाद है ना एकदम हम लोग को ऐसा लगा कि पतरा गिरा। अब जब मालूम पड़ा ना पब्लिक आवाज है ना, तो बोले बिल्डिंग गिरी। तो हम लोग सब भागे, तो हम लोग सब पूरा घर सब छोड़ के सब भागे बिल्डिंग देखने के लिए। आवाज बहुत एकदम बहुत भयंकर थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि पूरा मतलब बोलते ना भूकंप आ गया, एकदम वैसी आवाज। 4 मंजिला केसरबाई बिल्डिंग करीब 100 साल पुरानी थी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक बिल्डिंग जर्जर इमारतों की लिस्ट में नहीं थी, कुछ मरम्मत का काम जरूर होना था, जिसके लिए लोगों ने महाडा में अर्जी भी दी हुई थी। जो मुझे प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें डोंगरी में एक बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण उसके अंदर करीब 15 फैमिलीज के फंसे होने की संभावना वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ये करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और वहाँ के बिल्डिंग के रहवासियों ने माड़ा के नियम के अनुसार उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए वहाँ पर एक विकासक को डेवलपर को अपॉइंट भी किया था और उसका उसके लिए उसको उनको परमिशन भी मिली थी, लेकिन ये डेवलपर ने उसको समय पर डेवलप किया या नहीं किया ये सारी चीजें अब जांच में सामने आएगी। अभी तो सारा फोकस जो है वो जो लोग वहाँ पर अभी मलबे के नीचे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए इसके ऊपर सारा फोकस वहाँ पर रखा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने सीएम के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने कहा है कि बिल्डिंग जर्जर थी। यहाँ पर सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि सफाई तो हर कोई पेश कर रहा है, लेकिन इस हादसे के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही कोई फिक्स करेगा? कम से कम इस समय तो उसके संकेत नहीं मिलते हैं। वैसे आपको यहाँ पर यह भी समझना है कि बारिश में न सिर्फ कमजोर इमारतों बल्कि कच्चे मकानों में भी रहना खतरे से खाली नहीं होता। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मकान गिर गया, 2 बच्चे मारे। मुरादाबाद के नागफनी में चारों तरफ से पक्के मकानों से घिरा हुआ कच्चा सा मकान था जमीर हुसैन का, फिर भी 8 से 10 लोग आराम से रह लेते थे। कमजोर छत ये वजन सह न सकी और अचानक गिर गई। जमीर के 2 छोटे छोटे बच्चे हमेशा के लिए सो गए। गिर गई आदमी तो। ये किस समय की घटना है? 4 बजे की। तो इसमें कितने लोग घायल हो गए, कैसे क्या? अचानक रात को रोने चीखने की आवाजें सुनकर पड़ोसी दौड़े भागे आए, मलबा हटाना शुरू किया। घर के 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और अस्पताल पहुंचाया गया। अब सबकी हालत खतरे से बाहर है। अच्छा।
तो मुंबई के बिल्डिंग हादसे की खबर और ये कच्चे मकान के ढहने की खबर से पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि बारिश की मार तीन पड़ोसी देशों पर भी पड़ रही है। कैसे पड़ रही है, क्या है डिटेल्स इस रिपोर्ट में। चीन में बाढ़ ने आम जिंदगी उलट पुलट कर रख दी है। जियांगशी में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी, सड़कें पानी में डूबी हैं, फ्लाईओवर के करीब तक पानी पहुंच गया है। रेस्क्यू टीमें लगातार लाइफ बोट लेकर पानी में फंसे लोगों को घरों से बाहर निकाल रही हैं। फायर फाइटर्स सीढ़ियों के पुल बनाकर खिड़कियों से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जियांगशी में 29 छोटी बड़ी नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। 5.5 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। पूरे प्रांत में तकरीबन 70 लाख लोगों पर इस बाढ़ का असर पड़ा है। बेहिसाब बारिश ने बांग्लादेश को भी बेबस कर दिया। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर उत्तरी बांग्लादेश में है। तेज बारिश से सभी नदियां उफान पर हैं। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तकरीबन 150 गांव पूरी तरीके से बाढ़ से घिरे हुए हैं। कई कच्चे मकान पानी में बह गए। रेस्क्यू टीमें फंसे लोगों को निकालने और जरूरत के सामान पहुंचाने में लगी हुई हैं। लेकिन सरकारी इंतजाम कम पड़ते दिख रहे हैं। भारत के पूर्वी हिस्से में आई बाढ़ का असर पड़ोसी देश म्यांमार में भी दिख रहा है। म्यांमार के कचिन प्रांत में सबसे ज्यादा लोगों पर असर पड़ा है। तकरीबन 30,000 लोग बेघर हुए हैं, जिन्हें राहत कैंपों में शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। बड़े पैमाने पर खेती का नुकसान हुआ है। इलाके की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यहाँ पर इंसान को ये समझने की जरूरत है कि कुदरत के साथ ज्यादा खिलवाड़ अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर कुदरत अपनी पर आती है तो फिर ऐसी ही भयावह तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। 19 की 19 कहानियां देख के इस पार भी जारी है। विश्व के हर प्रदिया महिला के पति का आरोप यह है कि अस्पताल के स्टाफ ने उनकी पत्नी को भर्ती नहीं किया। इतना ही नहीं, स्ट्रेचर मांगने पर वो भी नहीं दिया गया। और जब इस बारे में अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा गया तो उनका कहना था कि महिला देरी से अस्पताल पहुंची, जिसके चलते अस्पताल के बाहर उसने बच्चे को जन्म दिया। 2019 की 19 कहानियों में फिलहाल इतना ही। जी न्यूज पर खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ।